यहां भूकंप हुआ था उसके बावजूद भी, और जब सुख में कोई आए ना आए रहता है, आया होता तो अच्छा होता, लेकिन दुख में कोई ना आए तो याद रह जाता है, और जो दुख में पहुंच जाए वो जीवन भर पूज्य लगता है। कोबे उस रूप में दुख की स्थिति में हाथ बटाने वालों में से सबसे पहले था, तो उसका स्मरण रहना, उसके प्रति आदर भाव रहना बहुत स्वाभाविक है। आप सब इस बात से गर्व करते होंगे, हिंदुस्तान की हर खबर आपका माथा ऊंचा करती होगी, करती है नहीं करती है? सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके, बड़े हौसले के साथ अब बात कर पाते होंगे। और उसका कारण, उसका कारण मोदी नहीं, उसका कारण 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। जिस लगन से देश को आगे बढ़ाने के लिए, और विशेष करके भारत की युवा पीढ़ी ने जो मन में ठान ली है और जिस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को भी गर्व हो। 2 साल भयंकर अकाल के रहे, बारिश बहुत कम हुई थी, और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अकाल में सब कुछ चरमरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल के भयंकर अकाल के बावजूद भी, स्कैर्सिटी के बावजूद भी, सारा विश्व एक आवाज से कह रहा है कि बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब लोग एक स्वर से कह रहे भाई, IMF ने तो कह दिया भारत एक चमकता सितारा है, ऐसा कहा। विश्व भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरी FDI की अलग परिभाषा भी है। पहली परिभाषा है मेरी FDI की, फर्स्ट डेवलप इंडिया। और दूसरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इन दिनों भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा FDI भारत को प्राप्त हो रहा है, और FDI प्राप्त करने का ग्रोथ रेट भी है वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। तो ये चीजें इस बात को उजागर कर रही हैं कि देश आर्थिक विकास में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में गरीबी की चर्चा हमेशा हुई है,
ऐसा नहीं कोई मैंने आकर के शुरू की है, पहले भी हुई है, लेकिन ज्यादातर चुनाव के समय हुई है। बाद में सब भुला दिया गया है। मैंने चुनाव के बाद शुरू कर दी है और बहुत तेज गति से उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि देश को गरीबी से मुक्त करना चाहिए। कर सकते हैं। अब हमारे देश में 40% लोग ऐसे थे उनके नसीब में बैंक का दरवाजा भी नहीं था, वो सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े बिल्डिंग में जहां इतने शीशे लगे हो मैं अंदर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। हमने आकर के अभियान चलाया कि सबसे पहले सबके बैंक के खाते खोल देंगे। अब पैसे तो थे नहीं, स्टेशनरी का भी खर्चा होता है, फॉर्म का भी तो खर्चा 8-8 रुपया तो होता ही होता है। हमने सरकार को कहा नहीं, 1 पैसा लेना नहीं, मुफ्त में खाते खोलो। तो कुछ दिन तो आप जानते हो मेरा क्या हुआ होगा, लेकिन खैर फिर सरकार में सब लोग मान गए। और हमने गरीबों से कहा कि आपके पास 1 नया पैसा नहीं होगा तो भी आपका बैंक का खाता खुलेगा। और देश में करीब करीब सभी गरीब परिवारों के बैंक के खाते खुल गए। अब हमने तो गरीबों को कहा था 1 रुपया नहीं होगा तो भी खुलेगा, लेकिन हमारे देश की विशेषता है देश के गरीबों ने अमीरी दिखाई है। बहुत बार हम अमीरों की गरीबी तो देखते हैं, लेकिन गरीबों की अमीरी देखने का सौभाग्य मिला। उनको कहा था कि आप 1 रुपया भी नहीं दोगे तो चलेगा, उसके बावजूद भी जिसका जीवन में कभी अकाउंट नहीं खुला था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, इस एक शब्द पर इन गरीबों ने बैंक खातों में करीब करीब 45,000 करोड़ रुपया जमा किया। 45,000 करोड़ रुपये। ये है गरीबों की अमीरी और यही है हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, जो देश हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाने का सामर्थ्य रखती है। 2011 में जापान में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, आपके यहां भूकंप आया, सुनामी आई, उसी समय आपके यहां फुकुशिमा की दुर्घटना हुई। 2011 के वो दिन याद करें, बिजली में कटौती, पानी भी 4 बोतल जरूरत है तो 1 बोतल से चलाना, दही लाना है तो नहीं भाई मत लाओ कम लाओ। और सिर्फ वहां नहीं, जहां पर आपत्ति आई थी पूरे जापान में सरकार ने इच्छा व्यक्त की सरकारी दफ्तरों के लिए, लेकिन इस देश की जनता ने इसे अपनी जिम्मेवारी मानो और हर कोई कोट पैंट टाई बंद करो तो बंद किया, एसी बंद करो बंद किया, पानी जरूरत से ज्यादा मत लो नहीं लिया, कम चीजों से घर खाने में चला दो, 3 सब्जी बनाते 1 सब्जी चलता है, ये आप लोगों ने किया, जापान के लोगों ने किया। जब मैं पढ़ रहा था ये सारी चीजें और जब मैं बाद में आया था तब जब सुनता रहा था लोगों से, तो मुझे भी कभी होता था कि कैसे महान लोग हैं,
देश के लिए क्या कुछ कष्ट झेलते हैं। लेकिन कभी कभी मौका मन में आता था कि क्या हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है क्या। लेकिन आज मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी अगर उसे अवसर मिले, मौका मिले, जिम्मेवारी की बात आ जाए, जैसा आपने करके दिखाया, वह भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, ये मैं अनुभव से कहता हूं। अभी अभी का मेरा ताजा अनुभव है। कौन से वाला? आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे ₹500 और ₹1000 की नोट मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो, ऐसा भी चल रहा था। लेकिन मैं देश के लोगों को 100-100 सलाम करता हूं। कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया था। कुछ स्थान पर तो लोग 5-5 घंटे खड़े थे और अचानक एटीएम काम करना बंद कर दिया, तो भी चलो कल ठीक हो जाएगा, ये अपने आप में देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है, उज्जवल भविष्य की निशानी है। ये ठीक है कि पाप करने वालों की संख्या कोई ज्यादा नहीं होगी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों में, मुसीबत 125 करोड़ को हो रही है, लेकिन फिर भी 125 करोड़ को लगता है कि अगर इतना सा झेलने के बाद, और आपने देखा होगा अब तो व्हाट्सएप पर सब आता होगा, पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था, नोटे बह रही है गंगा जी, नोटे बह रही है। आप मुझे बताइए, ये चोरी का माल निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? सामान्य मानवी को शिकायत ये होती है कि आप एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान, तो
उसको लगता है जब इस कानून सबके 500 की नोट गई, सबके 1000 की नोट गई, मोदी की भी 1000 की नोट अब बाजार में चलने वाली नहीं है, तो लोग कहते भाई ये बढ़िया हो गया। ऐसा होना चाहिए, हर एक के लिए समान उसका असर है। और इस कारण, इस निर्णय से मुझे भी पता नहीं था कि मुझे एक ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे जिस आशीर्वाद के शायद मैं जब सोच रहा था कि ये करूंगा तो क्या क्या तकलीफ आएगी, क्या क्या फायदा होगा, वो तो मैं सोचा ही नहीं था। मैं दिमाग खपा रहा था कैसे करूं कैसे, और अच्छा एक काम ऐसा था कि लोगों से बता भी नहीं सकता था, अचानक करना पड़े वरना तो खेल खत्म। जो लोग इतना जमा कर सकते हैं वो अपनी जगह भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखना भी जरूरी था। तो मैं सोच रहा था ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ होगी, ये मुश्किल होगा, तो हमारी छोटी सी टीम थी, बैठ करके रास्ते खोज रहे थे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था उसमें से मुझे कोई आशीर्वाद भी मिलेंगे। जब लोगों को पता चला कि किसी गृहिणी के कि हर महिला सब्जी लेने जाती है थोड़ा बचा लेती है, साड़ी के पल्लू में बांध के रखती है, घर में सब खाली हुआ मुसीबत आएगी वो निकाल के दे देगी, लो जाओ जाओ ले जाओ। हमारे देश में महिला कुछ न कुछ बचा के रखती है, और ईमानदारी का होता है, कोई बेईमानी का पैसा नहीं होता है। जब हमने कह दिया कि अगर किसी गृहिणी का 2.5 लाख रुपया अगर वो बैंक में जमा कर देगी तो सरकार उसको नहीं पूछेगी कि ये 2.5 लाख रुपए कहां से आए थे, उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? कई बेटे और बहुएं भी जो वृद्धाश्रम में मां को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया मां के खाते में। अब मुझे बताइए वो मां मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? ऐसी वृद्ध मां आशीर्वाद दे तो फिर योजना सफल होने में कोई आशंका रहती है क्या? भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है, ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होती, मुझे भी अंदर, मैंने पहले दिन भी कहा था जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, तब भी कहा था कि इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराए, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हां, ईमानदारी का है उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है, पैसे मिले या न मिले पुण्य तो मिल जाएगा। और इसलिए देश को मैं फिर एक बार, आज पहुंचते ही फिर से भी मैं लोगों को बार बार कहने वाला हूं, ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी, और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा।
अच्छा, ऐसा नहीं हमने रातों रात किया है जी। हमने पहले एक स्कीम निकाली कि भाई आप इतना दंड दे करके जितना दे सकते हो दे दीजिए, तो करीब 67,000 करोड़ रुपए आए। तभी कुछ लोग तो कहते थे कि मोदी फेल हो गए, मोदी का कुछ नहीं हो गया, आखिर भी आंकड़ा आया तो अब वो बोलते ही नहीं। दो साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1,25,000 करोड़ रुपया वापस आया, 1,25,000 करोड़ रुपया। तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वैसे ही है पहले जैसे थे तो फिर गलती मेरी नहीं है। और इसलिए और जो लोग अब 30 दिसंबर तक उनके पास समय है, और 30 दिसंबर तक कोई तकलीफ के बिना सारा कारोबार, हाँ जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30 दिसंबर तक कोई मुश्किल नहीं होगा, 125 करोड़ देशवासियों का उनके हक की चीजें मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब दुनिया इतनी बदल चुकी है, हमने मुख्य धारा में आप ठीक है पहले कर लिया भाई, मैंने मौका दिया है आ जाइए, नहीं आना है तो आप जानो आपका नसीब जाने, और आपका नसीब नहीं आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग यहां कड़ी मेहनत करके भारत का नाम रोशन करने में लगे हैं, आपके पुरुषार्थ से देश का गौरव भी बढ़ता है, दुनिया में जहां भी जाते हैं भारतीय समुदाय के व्यवहार की बहुत ही सकारात्मक चर्चा, विश्व में जहां जहां भारतीय समुदाय रहता है उनसे मिलती है सुनने के लिए, और उसके कारण भारत की साख भी बढ़ती है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं फिर एक बार आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब हिंदुस्तान निरंतर आगे बढ़ने वाला है, विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है, जो सपने आप दुनिया में जाकर के दुनिया देखते हो और जो अच्छी चीजें आप हिंदुस्तान में चाहते हो वो सभी अच्छी चीजें हिंदुस्तान में होना संभव हो चुका है, होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।